आपको मैंने बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया शायद, अभी बताया तो कि भाई मैंने मम्मी को नहीं बताया कि मैं अभी निकल चुका हूँ। सो भाई विकास की आंखें देखना कितनी लाल हो रही है भाई। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं राइट चावल खाओगे? ये देखो स्टार्ट नहीं करने दे रहा मैं ब्लॉग। सो भाई अभी फटाफट हम जा रहे हैं कोशी बरसाना से, क्योंकि कोशी से हमारी ट्रेन है 7:30 की और 6 बजे। झूठ बोल रहे हैं बेटा। अभी देखिए तू भी दिखेगा उसमें ट्रेन में, लगा रहा सर क्योंकि कैमरा विकास पे है। सो यहाँ पर अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं कोई गाड़ी मिल जाए कोसी जाने के लिए, क्योंकि 6 बज रहे हैं अभी और 7:15 बजे की ट्रेन है, और पता नहीं कोसी की ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी। सो भाई रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए कोशी कला के, और विकास थोड़ी निकल चुकी है और ये भाई साहब वीडियो बना रहे हैं। ये देखो भाई यार अब शगुन चुकी है और ये कोशी कला चिल्ला। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ। ये चाह रहा कि भैया ट्रेन मतलब निकल जाए। विकास ऐसे चाहता तू निकल गई है? नहीं निकल जाए तो अच्छा, मैं वही चाहता हूँ भाई। फिर मौसी के घर चल लेंगे। मौसी के घर चल लेंगे ना फिर यार, फिर तो लेट कर रहा हूँ। तो यार अभी 7:17 की या 12 की मतलब ट्रेन है वो, उसमें देखते हैं फटाफट। मैं लेट करता हूँ विकास को, और अभी 7:05 हो रहे हैं, धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे बहुत टाइम है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जाऊंगा। हम भी तो दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जाएंगे? ऐसा करो चलो उसमें आ जाओ, वो देखो लाल बत्ती वो टेंट के पास है। टेंट में दिल्ली की लाती है? हाँ दिल्ली वाली की। बस सही है, दिल्ली के ही गाड़ी में 10 है। यहाँ तो एक ही दिखा रहा था, ऑनलाइन देख रहा हूँ। ऑनलाइन देखा तो सोनी करती है। नहीं सर जी बहुत गाड़ी मुझे पता है, मैं रात दिन से चलने वाला हूँ। वो 42 हो गए गाड़ियों से। सर जैसे हम दिल्ली से आए, कोसी के लिए कौन सी ट्रेन बेस्ट होगी? तो रुकती होगी कोसी से। ये बाबू जी अभी आने वाले, जैसे दिल्ली से आए, जैसे दिल्ली से हम आ रहे हैं आ गए, तो कोसी के लिए स्टॉप मतलब कौन सी ट्रेन रुकती है कोसी पे बताऊं? मैं बात सुन लो। 75 रुकती है, 75,000 रुकती है। अच्छा कुरुक्षेत्र वाली, कुरुक्षेत्र वाली। अरे हाँ जा रहा है। अभी एक प्लेटफॉर्म 4 में तो दिल्ली के लिए अंकल जी ने अभी ट्रेन बताई है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 में आएगी। सो भाई 7:14 की ट्रेन थी वो, बहुत ज्यादा लेट है। अब वो आएगी 8 के टाइम, रुकना उसने 2 ही है। सोचो 2 में फटाफट ट्रेन में बैठना है हमें, तो देखते हैं भाई कैसे बैठते हैं। पर यार लेट हो गया ना, वो चीज़ दिक्कत आ रही है बस। बाकी विकास वहाँ देखो बैठा हुआ है पीछे स्टेयर्स में, और मैं जरा थोड़ी देर घूम रहा हूँ क्योंकि अभी आधा घंटा है। सो भाई मैं अभी आ रखा हूँ यहाँ सुनसान रेलवे स्टेशन में, बिल्कुल सुनसान हो रखा है यहाँ पर। देखो एक इंसान भी नहीं दिख रहा इधर, जो भी है सबके सब 4 या 5 प्लेटफॉर्म में है, और यहाँ कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और पीछे बैक साइड में बताओ, पहले दिख भी नहीं रहा था कि यहाँ पर है एक पटरी, पर निकली यहाँ पर। सो अभी देखता हूँ और कहाँ कहाँ मैं घूम सकता हूँ। और आपको मैंने बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया शायद, अभी बताया तो कि भाई मैंने मम्मी को नहीं बताया कि मैं अभी निकल चुका हूँ। उनको लग रहा था कि संडे को आऊँगा मैं, और आज ही सैटरडे को ही मैं जा रहा हूँ घर। तो देखते हैं नानी का मम्मी का पापा का रिएक्शन क्या होता, तो बने रहना मेरे साथ। बस इधर कार्ड रिचार्ज हो गया, अब ना तू मुझे जानता मैं तुझे जानता। अरे कर दिया भाई, ठीक है अब उधार रहे 100 रुपए। ये देखना है मतलब मजाक को तू सीरियसली ले लेगा? अरे मजाक कर रहा हूँ। तो भाई हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली के, और अब जा रहे हैं घर। मैं आपको बताऊंगा क्या हालत हमारी ख़राब हो रखी है, तो उससे पहले हमको घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं घर में रिएक्शन क्या होता सभी का। सो भाई अपन मेट्रो के अंदर आ चुके हैं, अब यहां से जाते हैं फटाफट उत्तम नगर। विकास की आंखें देखना कितनी लाल हो रही है भाई, नोटिस कर पा रहे तो कमेंट करके बताना कितनी लाल हो रही है आंखें इसकी। सबसे लेट हम ही चल रहे हैं क्योंकि 10:30 बज चुके हैं, और फटाफट लेते हैं उत्तम नगर मेट्रो।
सो भाई देखो हिमालय सागर सामने आपको दिख रहा होगा, तो पहुंच गया उत्तम नगर, अब पहुंचते हैं फटाफट घर। सो भाई देखो घर में तो मैंने बताया नहीं था और मैं लेट हो ही चुका हूँ, तो अब पता चल ही जाएगा, इस वाले गेट से ही जाना पड़ेगा मेरे को। बंद है, कल खोलोगे क्या? अरे आगे टाइम से सुबह तो मैं जान कुछ बोल रहा था, जा भी नहीं रहे फिर भी यार कौन बजा रहे। सो अभी मम्मी ने कुकी को दिया पप्पी, और अभी मैं कैप्चर नहीं कर पाया मूवमेंट, वो भी अभी नानी और बड़े मम्मी से ही मिलके आया मैं, तब कैमरा ऑफ हो गया था, तभी अभी मैं थोड़ा सा चार्ज करा, तो मैं कहूँगा आप सबको मैं एंड कर देता हूँ तब तक वीडियो में। तो भाई ये ट्रिप जो हमारी रही है ना, इसमें हमने 27 घंटे कहीं पर भी एक परसेंट भी लेटे नहीं, हम लगातार चले फिरे और एक दो जगह बस रुक के बस आराम कर पाए, वो भी आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। तो मैं नीचे आके अभी थोड़ी देर जैसे ही मैंने यहां बैठा हूं, दिख रहा हूं, और अब मेरे पैर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, अब हो रहा दर्द, इतना ज्यादा भी नहीं पर जितना हिलाते ना पैरों की एड़ियों को या आगे से तो हो रहा, पेन हो रहा, पता नहीं मुझे लग रहा कुछ चुभ रखा है या फिर कुछ घुस गया है पैर के अंदर, उसका भी कुछ कह नहीं सकते। सो भाई अब नहा धो भी लेता हूँ, क्या हालत हो रही है आपको दिख ही रहा होगा, और आंखें विकास की इतनी लाल हो रही थी सच्ची में, मेरे तो शायद कमी हो रही होगी लाल, या फिर लाल हो ही नहीं रही होगी, लग रहा है, देखना ध्यान से और कमेंट करके बताना। सो भाई ये अगर आपको ट्रिप पसंद आई होगी हमारी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आप सब भी खुश रहना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।